जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो फ्राइडे डेड लेंगे, बाकी बैक और जो रिमेनिंग रहता है वो सब चलते हैं जिम। फिर बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड करेंगे बैक को। आ जाओ। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। पहले लेंगे डेड लिफ्ट, फिर बाकी साथ साथ देख लेना आप लोग। आ जाओ। ऑल्सो लास्ट टाइम अपन पिक्चर नहीं लिए थे तो वो भी लेंगे और बाकी सेम रहेगा, जानते ही हो। लेट्स गो। डेडलिफ्ट, पहला वार्म अप सेट 50 केजी, 6 to 8 रेप्स। आ जाओ। ये हो गया। आ जाओ दूसरा। अब लेट्स गो सेकेंड वार्म अप, 80 केजी, वही 6 to 8 रेप्स। तो ये दो वार्म अप सेट थे, आई गेस 110 से लेंगे अपन वर्किंग। आ जाओ। लेट्स गो लेट्स गो। पहला वर्किंग 110, 10 टू 12 रेप्स सफिशिएंट होगा। आ जाओ। आई गेस मैं 12 ने 10 ही लिया था, ठीक है बढ़ाना ही है तो चल जाएगा। आ जाओ। उसके बाद देखता हूँ, जब मारूंगा तो देख लेना खुद ही, उससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। आ जाओ। लेट्स गो सेकेंड वर्किंग 140, 6 to 8 रेप्स सफिशिएंट। आ जाओ। अच्छा जा रहा है, बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। ये हो गया। आ जाओ। आ जाओ। थर्ड वर्किंग 170, अराउंड 4 to 6 सफिशेंट होगा। अगर अच्छा जाएगा तो फिर ट्राई करूँगा 200 के आसपास का। फिलहाल इसको दे। हाँ ठीक गया, लूँगा 200। लास्ट टाइम 1 to 2 ही जा रहा था, सोच रहा हूँ इस बार और ज़्यादा जाए, बट देखते हैं। आ जाओ। 200
अराउंड, वैसे एक से दो ही जा रहा था बट कोशिश करूँगा, तीन तो जाएगी, बाकी देखते हैं। लेट्स गो। डन भाई, लास्ट वाला बिगड़ा, बैक मुड़ी शायद मेरी, समझ नहीं आया बट हाँ। जब एक वर्टिकल पुल, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, फिर देखते हैं। आ जाओ, अच्छा गया लेकिन, आ जाओ वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, पहला सेट 50 kg, 12 to 15 reps, let's go, अच्छी फॉर्म के साथ। डन भाई, आ जाओ उसके बाद सेकंड सेट, लेट गो सेकंड सेट, 55 kg, 10 से 12, आ जाओ। अबे यार ये क्या है, बार बार अपने आप ही गिरा रहा है, सॉरी। हाँ इसके बाद आखिरी सेट, आ जाओ लेट्स गो, आखिरी सेट इसका 60 kg, 8 टू 10 रेप्स, फिर ड्रॉप कर लूँगा 40 kg में, आ जाओ। Let's go. Last. Drop करूँगा 40 kg.
last? No. Let's go. तो ये हो गया, चलते हैं लेंगे सीटेड ड्रॉइंग फ्री वेट्स के साथ, फिर फर्दर बताऊंगा आगे। बैग अच्छा आ रहा है दादा, करीब 15-20 मिनट बाद मेरे को मिला ये। इसके ये पहला सेट 55 kg ईच साइड, 15 रेप्स ईच साइड और स्लो एंड स्टडी। पहला हो गया, इसके बाद दूसरा है ना। आई एम सॉरी, 15 नहीं 12 ही लूँगा, आ जाओ। 12 ही लिया, सेम वेट सेम रेपिटेशन, आ जाओ। हाँ हो गया, इसके बाद आखिरी सेट। मेरे को पहले जो वर्कआउट बैक के हुए थे उनके मुकाबले आज मेरे को बैक ज़्यादा फील हो रहा है, और साथ साथ पंप भी अच्छा आ रहा है। घर जाके बात करेंगे उस बारे में। लेट्स गो, लास्ट सेट। टोटल है 75 kg ईच साइड, 12 रेप्स नॉर्मल स्पीड में, और फिर ड्रॉप करूँगा। आ जाओ, वो ड्रॉप वेट सब आखिरी में बताऊँगा। सीताराम सीताराम सीताराम। तीस लास्ट। हाँ अदर साइड 10-12 ठीक है, फटीक हाँ ज़्यादा है लेकिन अच्छा है। वेट्स फेलियर हिट कर रहा हूँ, अच्छी बात है। मतलब Thank you.
राइट साइड वीक है इसका, ग्रिप नहीं बनती अच्छी। थक गया भाई। प्लान था कि जो लास्ट का पहला, मतलब जो इसका जो पहला सेट था उसमें 15 रेप्स लूँ, लेकिन वेट ज़्यादा है और मेरी बैक आज अच्छे से ट्रेन हुई है, इसलिए 3 रेप पहले ही मुझे फटीग आ गई, बैक ज़्यादा पंप हो गई। तो बेसिकली जहाँ मैं 15 रेप्स में फेलियर हिट कर रहा था, आज मैं 10 रेप में कर लिया। फिर ड्रॉप अपन किए 30 केजी उसमें से पूरा, और उसके 12 रेप्स ये था इस साइड। वीवो हॉट हो अरे तो बैंड हो क्या, बैंड हो जाता है करते कैसे हो पागल, तू मेरे को मानने, तू बकवास कर रहा है बैठ के। लेट्स गो टी बार रोइंग पागल है क्या, तू हट मारने दे। पहला सेट 45 केजी, नहीं 40 केजी, अराउंड 15 रेप्स। हाँ पहला हो गया, दो और आ जा। सेकेंड सेट 50 केजी 12 रेप्स। तेरा फिर भी हिल रहा है पीछे का। लेट्स गो लास्ट सेट 20 साढ़े हो जाता है। अयो काटा नहीं जाएगा। तो ये घटिया टी बार रोइंग का प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि पूरी बार बेल उड़ जा रही है। तो हो गया, चलते हैं बाइसेप लेने, दिमाग खराब हो गया। नहीं गया, पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा। आ जाओ लेट्स गो प्रीचर, एक ही लेना है प्रीचर बस। इसके 3 सेट, लास्ट वाला ड्रॉप। पहला सेट 15 रेप्स 30 केजी, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 5 और 5 2 लास्ट डन। हाँ पहला हो गया, दो और आ जाओ। हाँ लेट्स गो सेकेंड सेट 30 केजी, सेम वेट सेम रेपिटेशन। आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 5 2 लास्ट डन भाई। हाँ इसके बाद आखिरी सेट, फिर वर्कआउट हो जाएगा अपना। लेट्स गो लेट्स गो लास्ट सेट ड्रॉप 1 2 आ जाओ
10 kg कमा। चलो लास्ट टेन आ जा सिंगल एंड 1 2 अदर साइड फाइव प्लस द हाँ वर्कआउट हो गया अपना, चलते हैं घर। एक आध रील के लिए वीडियो बनाऊंगा फिर हो जाएगा, मतलब फिर घर चले जाऊंगा, बाकी वर्कआउट हो गया अपना, आ जाओ। सुबह होम, फ्राइडे था, इसका मतलब बैक में डेडलिफ्ट भी एडिट था, तो अपन गए 200 तक उसमें। अच्छा एक चीज नोटिस की होगी कि मैं लास्ट दो बार से 200 में एक रैप दो रैप उससे ज़्यादा नहीं जा रहा था, मतलब वो तीसरा तो जा ही नहीं रहा था, बट इस बार चार क्यों चले गया। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न या कह सकते हो एक रीज़न जो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा क्या होता है, द ओनली रीज़न कि मैं उसको सरप्लस में रखा था। अगर आप देखोगे तो उसमें 6 mat थी, तो वो बारबेल हल्का ऊपर था, तो उस कारण वो ईजली चले गया, ईजली तो नहीं गया, आखिरी का जो गया वो बहुत मेरा बैलेंस बिगड़ रहा था और साथ साथ फॉर्म भी ख़राब हो रही थी, बट ठीक है। वो कह सकते हो कि नहीं मारने से तो अच्छा है कि वो कुछ एक्स्ट्रा वो चले ही जाए। इवन जब मैं कटिंग कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ और सीखा कि कटिंग में एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मैं इतना वेट मारूंगा या ऐसा, बिकॉज जब आप कटिंग कर रहे हो ऑब्वियसली तो आपकी स्ट्रेंथ गिरती है, बार बार इस चीज़ को मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत लोगों को दिक्कत देती है, इसलिए तुमको समझना पड़ेगा कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक कॉमन सी चीज़ है जो सब सब फेस करते हैं। अपन कोई एनहेंस्ड बॉडी बिल्डर्स नहीं है, तो उस पे चार्ली भाई ये अनकट, एक सेकंड के लिए मैं सॉरी वो अब वो कहेगा अनकट यार, कट तो कर ही दिया मैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना सॉरी। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, तो उसमें एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारा तुमको इतना मतलब वो जाना ही चाहिए, इट्स मोर अबाउट कि तुम कितना फेलियर हिट कर रहे हो अपने वर्कआउट में। क्या तुम अपने सारे सेट्स जो मार रहे हो उसमें फेलियर हिट कर रहे हो, और अगर फेलियर नहीं भी हिट कर रहे हो मान लो, तो क्या तुम आखिरी के 2-3 रैप तक पहुंचने में तुमको दिक्कत हो रही है, वो मैटर करता है बस। ये ट्रेनिंग अप्रोच बहुत सही है आपके मसल ग्रोथ के लिए। अगर आप बिगनर हो तो फिलहाल ये सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग इसी चीज़ में अटक जाते हैं जब वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके बाद वो लाखों के वीडियोस देखते हैं नेट पे जा जाके कि इससे क्या होता है उससे क्या होता है कब क्या कैसे। रहन दो, वर्कआउट डाइट ये सब बाद में देखना, फॉर्म टेक्निक सब बाद में देखना, फिलहाल जिम जाओ, जिम जाना मेन है। जब तुम एक पॉइंट के बाद जब तुम इंटरमीडिएट बन जाओ तब तुम चीज़ें को डिस्कवर करो कि कैसे क्या किया जाता है। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं सोचा कि मैं डिस्कस करूँ, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी।
मिलते हैं कल आप लोगों एक और नए वीडियो के साथ। अच्छा हाँ, कल लेग्स स्किप नहीं हुआ था, मैं बनाया ही नहीं वीडियो उसका, तो वो उसका रीज़न ऐसा था कि मैं कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मुझे शॉर्ट्स डालने थे, रील्स बना के डालनी थी, वही सेम चीज़ हो गई, तो उसके कारण मैं इस लॉन्ग वीडियो को नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी, बट आगे से ध्यान रखूंगा तो वो आएगा रेगुलरली। कल सैटरडे है तो लेना है आप लोग को पुश। मिलते हैं आप लोगों से कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सभी भाई बहनों को।